So hello everyone, hello aspirants, welcome to Abhimanyu IAS, number one platform for your CSAT preparation. So हमने जैसा वादा किया था कि जल्दी ही 2025 की preparation भी start कर देंगे, तो after a mind-blowing year for the preparation of 2024 is over और exam बहुत अच्छा गया, बच्चों के काफ़ी अच्छे reviews आ रहे हैं, जो हमारे साथ YouTube sessions में भी जुड़े थे या जो students हमारे साथ batch में थे उनके तो specially बहुत अच्छे reviews आ रहे हैं कि सर 110 120 के आसपास हमारे नंबर बन रहे हैं, तो कहाँ कट ऑफ 80-85 जाने की उम्मीद, कहाँ 110 नंबर कट ऑफ, सभी 20-25 नंबर ऊपर, तो ये बहुत 25 में क्यों 30 नंबर ऊपर एक्चुअली, ठीक है, इतना अगर 120 बोला चलो मैं 110-115 भी लगा के चलूँ जब भी बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है, क्लियर। सो बहुत बहुत बधाई हो पहले उन सारे बच्चों को जिनका सीसेट का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बिकॉज 2023 के एग्जाम के बाद ना एक डर था, बहुत सारे बच्चों ने तो तैयारी छोड़ दी थी कि यार जीएस तो हो रहा है बट सीसेट कैसे करेंगे। मैंने बोला था मेरे पास जुड़िए, मेरे पास आइए, मैं करवाऊंगा सीसेट, मैं अच्छे से करवाऊंगा। और आप अभिमन्यु आईएएस चैनल के अगर शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने सारे क्वेश्चन नोट्स से रिलेटेड थे। मैंने यूट्यूब सेशन पर भी बार बार दोहराई थी ये बात कि बेशक मेरे नोट से क्वेश्चन ना आए, बेशक मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन ना आए, बट मेरे करवाए हुए कॉन्सेप्ट, मेरे करवाए हुए लॉजिक्स, मेरे करवाए ट्रिक्स पक्का एग्जाम में आएंगे। और वही बात हुई है, मैं कंपेयर भी करके दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या करवाया था और क्या आया। रीजनिंग का क्वेश्चन देखा होगा आपने, 4-24, 4-25 वो ऑलमोस्ट सेम डाटा था, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 वो क्वेश्चन था, वो डिटो क्वेश्चन था मैंने करवाया हुआ, ठीक है, बस मैंने वहाँ पे 4 था, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 5 है, इतना सा फ़र्क था। तो ये बहुत महीन फ़र्क है, अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से किया तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी बहुत ब्रिलियंट तरीके से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए, जो बच्चे सी सेट के बहुत ब्रिलियंट बहुत अच्छे बैच की वेट कर रहे हैं, द वेट इज़ ओवर बिकॉज वी ऑलरेडी लॉन्च द बैच, जो भी स्टार्ट नहीं हुआ, मैं बता दूँ जो भी स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपको इनरोल्ड बैच नहीं मिल रहा है, रनिंग बैच नहीं मिल रहा है, वो लाइव बैच मिल रहा है जो भी स्टार्ट होने में, ठीक है। सो टारगेट यूपीएससी सी सेट 2025 जिसमें हम आपको एप्टीट्यूड करवा रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग करेंगे स्टूडेंट्स इसमें, और एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पर खास तौर पर जोर दिया जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं बात करूं पिछले कुछ साल में एप्टीट्यूड का ट्रेंड क्या रहा है, 35-38 क्वेश्चंस, ठीक है, इसका 12-14 क्वेश्चन और इसका 28-30 क्वेश्चन या 27-30 क्वेश्चन ऐसा कुछ, ठीक है, ये मिला जुला रहा है, तो इसका भी ऐसा ही रहा है, तो ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, बिकॉज मेरा मानना है यहाँ से अगर 10-15 क्वेश्चन बन गया ना तो हमारी कहानी खत्म हो जाती है सीसेट के लिए, तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग का थोड़ा सा आपके पास भार कम हो जाएगा, क्लियर। सो मोर इन्फो यू कैन कॉल अस एट 9517771651, क्लियर। एडवांस मॉडरेटेड सॉल्यूशंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और हमारे पास हमारे चंडीगढ़ सेंटर का एड्रेस है, प्लॉट नंबर 7 ग्राउंड फ्लोर पंजाब की सी बिल्डिंग सेक्टर 25 चंडीगढ़, और मोहाली सेंटर का एड्रेस है प्लॉट नंबर 126 बिल्डिंग नंबर 2 4th फ्लोर फेस 8 इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली, क्लियर। तो आप कहीं पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्लियर, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। और जो बच्चे जॉब में हैं और तैयारी करें उनके लिए गोल्डन चांस है, बिकॉज ये मेरा वीकेंड बैच होने वाला है बेसिकली, जहाँ तक अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्लियर। तो प्लीज़ जुड़िए मेरे साथ, जो बच्चे जॉब में उनके लिए खास करें बैच, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आपको इवन अ सिंगल पेपर नहीं बाहर से लेना पड़ेगा, इसी बैच में सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्लियर। सो जल्दी जल्दी जुड़िए मेरे साथ, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। होपफुली ये सारी बातें लास्ट लेक्चर मैंने समझाई समझ आ गई होंगी आपको, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है परसेंटेज का, अब हम पार्ट टू पे तो थोड़ा लेवल भी क्वेश्चंस का आप होगा। 5% ऑफ आ विलेज इन इंडिया डाइड बाय डेंगू, 15% ऑफ रिमेनिंग लेफ्ट द विलेज ऑन अकाउंट ऑफ ईयर, इफ नाउ द पॉपुलेशन रिड्यूस टू 3553 हाउ मच वॉज इट इन द बिगिनिंग, तो शुरुआत में कितनी रही होगी। देखो छोटी सी बात ना समझो इसको, सबसे पहली बात देखो, अगर मैं लेता हूँ 100%, जैसे आप सपोज करते हैं कि लेना चाहिए, ठीक है, कि 100% है, 5% डेंगू की वजह से डाइड, ठीक है,
कितना बचा मेरे पास 95%। अब आपको क्या करना है, इसका 15% माइनस करना है, जो कि कैलकुलेटिव डाटा आपके पास देखने को मिल सकता है आपको, जो कि एक कैलकुलेटिव डाटा देखने को मिल सकता है, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है। बट इसका ऑल्टरनेट क्या है मेरे पास, देखो मैंने कल भी बताया था कि अगर वैल्यूज़ आपको याद होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी है, कैसी वैल्यू 1/20 है, ध्यान से देखिए, क्या इसकी वैल्यू 1/20 है। यस, मैंने कल एक बात बताई थी, अगर मेरे पास इंक्रीमेंट हो तो इस नंबर को ऐड कर दो, डिक्रीमेंट हो तो इसी नंबर को माइनस कर दो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल और फाइनल, है ना, देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हुआ, 5% राइड, यानी अगर टोटल 20 थे, अब 5% को छोड़ दो, एक डाइडियन एक कम हो गया, तो फाइनली कितने बच्चे होंगे मेरे पास 19। कल भी हमने रेशियो के मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, क्लियर है। सेकंड कंडीशन क्या कह रही मेरी, कि मेरे पास नेक्स्ट क्या 15% नहीं, 15/100, 5 × 15 और 20 × 50 यानी अगर शुरू में 20 पॉपुलेशन थी तो 3 माइनस कर दो, कितनी रहेगी 17। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है स्टूडेंट, लगातार होती हुई प्रोसेस है। तो फॉर दिस यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैम, 20 × 20 कितना हुआ 417 × 19। अब आपको 17 × 19 करना है। अब आपको क्या करना है, देखो क्या मैं ऐसे लिखूं, 20 − 1 × 17। मैंने शुरू में बताया था कैलकुलेशन की बहुत सारी ट्रिक्स आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं लेक्चर के अंदर बताऊंगा आपको साथ के साथ। ये कितना हुआ 340 − 17 क्या 23 हुआ। यस, क्योंकि मैं कोई फालतू की कैलकुलेशन नहीं करवाता, फालतू के ट्रिक्स कैलकुलेशन ना मुझे आते ना मैं बच्चों पे थोपता कि करो करो करो, ज़रूरत है ना बहुत कुछ डाटा पढ़ने के लिए आपके पास ऑलरेडी। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रिड्यूस, इसका मतलब अगर शुरू में 400 पॉपुलेशन थी अब कितनी रहेगी पॉपुलेशन 323 रहेगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी है 3553 फाइनल यही दी है। अब आपको क्या करना है, आपको देखो क्या दिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास 323 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 3553 एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3553 डिवाइडेड बाय 323। अब आपको ये देखना है कि आप किसको डिवाइड करने वाले हो। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि इसको डिवाइड करने में 11 आएगा। कैसे 11 आएगा, देखो अब मेरे इस बात को जो मैं समझा रहा हूँ समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, पेन कॉपी साइड में रखे। देखो अगर मैं 323 को, देखो अंडरस्टैंड कैसे करते हैं क्वेश्चन को, मैं 323 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा 32 क्या इतना आएगा। यस, इसका मतलब मैं इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करने वाला हूँ, तो मेरे को क्या चाहिए एंड में, 3 और 3 ही चाहिए, तो क्या 11 आएगा। यस यस बिल्कुल, आपको पहले तो रेंज पता होनी चाहिए कि नंबर कहाँ से आएगा। ये पता चल गया मुझे, ये नंबर 10 से थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए क्योंकि 3200 में मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है और 3500 की रेंज में, एंड में 3 दिखा तो 3 को 1 से गुना करने पे 3 आएगा मेरे पास, दैट्स इट। तो कितना आ गया 11। मैंने कोई फालतू की कैलकुलेशन नहीं की, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से करके देख लो। देखो 3 2 3 0 3 23 3 5 5 3 ये सारी चीज़ें बैच में इतनी बार करवाऊंगा हर क्वेश्चन में करवाऊंगा हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जानी बातें, क्लियर। तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर इज 4400 ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। तो बैच में इनरोल होने के लिए आपने क्या करना है 9517771651 स्टूडेंट, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस ग्रुप को भी आप जल्दी से जल्दी अभी ज्वाइन कर लो, क्लियर। चलिए होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा और कैलकुलेशन भी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 500 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेगा। देखो क्या दिया, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, अगर मैं बात करूं फ्रेश फ्रूट की परसेंटेज में, ये भी 100% होने वाला है बिल्कुल। देखो इसमें क्या है, वाटर क्या है मेरे पास 68%
तो क्या मेरे पास पल्प 32% होगा? यस, वाटर अगर 68% है, पल्प मेरे पास 32% होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, मेरे पास कितना दिया ये? 500 kg। तो 500 का 32% कितना हुआ? इंटू 500 और बटा 100, तो 32 × 5 160 किलोग्राम हुआ। तो 340 किलोग्राम मेरे पास वाटर हुआ। क्योंकि ऐड करके देखोगे तब भी मेरे पास 500 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। 400 और 100 कितना हो गया? 500। अब मेरे पास ड्राई फ्रूट दिए, ठीक है, ड्राई फ्रूट दिए। ये कोई भी चीज़ होती है ना, बात याद रखें अपने आप में, वो हमेशा 100% होगी, ठीक है। ड्राई फ्रूट दिया मुझे, ये क्या है? वाटर है। और ये मेरे पास क्या है फिर? पल्प है, क्लियर। अच्छा, ड्राई फ्रूट 20% वाटर, देखो यहाँ पे कितना है, 20% वाटर स्टूडेंट्स। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा पल्प कितना होना चाहिए यहाँ पे? 80%, क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो या आपके पास मिक्सचर का क्वेश्चन हो कि आपने कोई चीज़ मिला दी, कोई चीज़ निकाल ली, द वाटर इतने परसेंट कर दिया, द मिल्क इतना कर दिया, वाइन इतनी कर दी, उस क्वेश्चन में आपके पास हमेशा एक क्या रहती है? कांस्टेंट वैल्यू। क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब उस कांस्टेंट वैल्यू को यूज़ कैसे करना है, मुझे पहले तो पता हो ना कि क्या कांस्टेंट वैल्यू है। क्या होगी कांस्टेंट वैल्यू, कमेंट सेक्शन में बताना जरा। हमेशा याद रखना, वाटर कभी भी किसी भी केस में मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा। पल्प क्या होता है? आपका जो आपके जूस पार्ट को होल्ड करके रखता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से कि जो यहाँ पे 80% है वो वेट में कितना है? क्योंकि जो छिलका टाइप होगा वो तो बराबर रहेगा ना भाई, जूस तोड़ देगा उसमें से, जो हार्ड पार्टिकल है वो तो रिमेन रहेगा, ठीक है। सो 80% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 160 kg। 1% की वैल्यू कितनी आई? 2 kg। 100% की वैल्यू कितनी आई? 200 kg। ये कितना हो गया मेरे पास? तो क्या बोल रहा है मुझे वो ड्राई फ्रूट कितना? ऑप्शन नंबर ए 200 kg इज द राइट आंसर, क्लियर। तो होपफुली ये क्वेश्चन अब दिमाग में बैठ गया होगा और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाए वो समझ भी आपको आ गए होंगे, क्लियर। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और नए बैच की जल्दी इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसमें इनरोल करने के लिए प्लीज़ दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट, बिकॉज उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही सारी की सारी चीज़ें आएंगी। कल को अगर हम कोई वेबिनार करते हैं, कोई डिस्काउंट आता है, कोई PDF आता है, सब वहीं पे अपलोड की जाएंगी। तो ध्यान रखो थोड़ा सा, क्लियर। चलिए गौरव स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल, 40% रिमेनिंग ऑन कन्वीनियंस एंड क्लोथ्स एंड सेविंग्स, 50% ऑफ रिमेनिंग एंड सेव्स 50% ऑफ रिमेनिंग। इफ हिज मंथली सैलरी इज रुपीज 18,400 की मंथली सैलरी कितनी है मेरे पास? 18,400 रुपये। देन हाउ मच मनी डज ही सेव एवरी मंथ? करिए, ट्राई कर सकते हैं हम, बहुत ईजी साथ लग रहा है क्वेश्चन। बस आपके पास जो इक्वेशन है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। देखो सबसे पहले क्या होगा, आपको क्या दिया है? देखो ये डाटा बहुत आसान है। सपोज करो उसकी इनिशियल लेट टोटल इनकम इज इक्वल टू 100%। शुरू में जो आप मान के चलते, पहले मैं उससे करवाऊंगा, फिर मैं कंपेयर कराऊंगा कि मैं क्या करवाऊंगा या अभिमन्यु आएस आपको क्या करवाएंगा अलग, क्लियर है। देखो 100% है, उसने क्या किया, 30% कहाँ गई? फूड पे। सो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग इज 70%। नेक्स्ट 40% रिमेनिंग ऑफ कन्वीनियंस, फिर इसका 40% गया, इसका 40% कितना हुआ? 7×28 माइनस ऑफ 28, यानी कितना बचा? देखो जरा 42% बचा, 42 और 8 कितना हो गया? एक बार देखो जरा, 30 गया, 40% रिमेनिंग ऑन कन्वीनियंस एंड फूड क्लोथ्स,
एंड क्लोथ्स। अच्छा 50% रिमेनिंग, अब उसने क्या किया, इसका 50% स्पेंड कर दिया, ठीक है, और 50% क्या कर लिया इसका, सेविंग्स, सेविंग्स आ गए 50%। फिर वो क्या करे, इफ इज मंथली सैलरी इज रुपीस, यानी 42 का कितना, यानी सेविंग्स कितना हुआ 21%, और ये भी कितना जो स्पेंड कर दिया वो भी कितना 21%, क्लियर, और सेविंग्स कितनी है मेरे 21%, ठीक है। अच्छा अब क्या दिया मुझे, अगर इनिशियल सैलरी, इसका मतलब इनिशियली कितना मेरे पास 18400, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 18400, तो स्टूडेंट्स 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 184, सो व्हाट विल बी द वैल्यू 21%, 184 इंटू 21, एंड में क्या आ रहा है, देखो अगर मैं ऑप्शंस को देखूं एंड में क्या आ रहा है 4 3864, बड़ा इजी सा कैलकुलेट करना है, कर लो 18 2 36 36 3 680 एंड 184 प्लस 4 6 3 8 6 4 आ रहा। अब देखो कितनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी ना, अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये दिया हो, मैं हमेशा मिक्स फ्रैक्शन की बात करता हूँ, 14 2/7%, 11 1/9%, 22 2/9%, तब इस केस में ये लगाना आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इन एग्जामिनेशन हॉल, ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे आप। रीज़न क्या है इसका, इसका रीज़न साफ सा है, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा, 100 का तो आप निकाल लोगे 14 2/7, जैसे तैसे निकाल भी लोगे बाकी, तो वहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता प्रॉब्लम आए, उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, तरीका क्या, देखो सबसे पहली बात मेरे को क्या दिया है 30%, सबसे पहले परसेंटेज की वैल्यू लिखना स्टार्ट करो, 3/10 40%, 2/5 50%, 1/2 देखो इस केस में मुझे क्या दिया, वो सेविंग्स, अगर मैं इनकम और रिमेनिंग का रेशो निकाल लूं, यही तो दिया हुआ है, अगर मैं इनकम एंड रिमेनिंग का रेशो निकालता हूं क्या होगा, देखो शुरू में क्या दिया है, पहले केस में इनकम कितना 30%, केस वन, मैंने हमेशा ये बोला इनकम क्या हो रहा है, खर्च कर रहे हो, कि अगर पहले केस में मेरी 10 इनकम थी, आपने 3 खर्च कर दी तो कितने बचे, ये चीज क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट में। केस टू की बात करें, अगर मेरे पास इनकम 5 थी, 2 खर्च करती, स्टूडेंट्स कितनी बची, क्या 3 बची, यस। केस थ्री 50% 2, अगर इनकम 2 थी, रिमेनिंग कितनी बची 1, बिकॉज 1 मैंने खर्च कर दी 2 में से 50%, ठीक है। ये कितना बना, देखो मल्टीप्लाई करो, हमेशा जब भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो, ठीक है, आपने क्या करना, कॉन्टिन्यूस मतलब एक ही प्रोडक्ट पे लगा रहो, 5 10 50 और गुना 100, इसका मतलब जो 100 वैल्यू थी वो कितनी रहेगी मेरे पास 21, क्या यही आया था स्टूडेंट इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने के बाद, बट यहाँ पे तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, बहुत सिंपल है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 18400, कितने गुना 184 times, तो इसको जब आप 184 times करेंगे आंसर विल बी हाउ मच 3864, ऑप्शन नंबर इज द राइट। सर डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसे कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर सी सेट पे मिल रहा है, दैट इज अभिमन्यु IAS, ठीक है। सो अभिमन्यु IAS नंबर वन इसीलिए बिकॉज ये क्वेश्चन हम करवाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम बताते हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत सारे हैं, क्लियर। चलिए ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी हमने किया था पल्प वाला क्वेश्चन, ये उसी लेवल का क्वेश्चन है, उसी लेवल का क्वेश्चन है। देखो इन सम क्वांटिटी घी, अगर मैं बोलूँ ये प्योर घी है, घी उसमें क्या बोल रहा है आपके पास 60% इज प्योर घी, 60%, और वनस्पति घी कितना बना फिर मेरे पास, बेसिकली मैंने अगर इनकी रेशियो ले लूँ कितना बचा मेरे पास 3:2। अभी जो हमने उस क्वेश्चन में सीखा वो इसमें इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया। देखो नेक्स्ट क्या मेरे पास, शुरू में क्या 100% जब मैंने ऐड किया कुछ, 40% इज वनस्पति की, इफ 10 kg प्योर की, आपने क्या ऐड किया,
10 kg, आपने 10 केजी प्योर घी ऐड कर दिया, ठीक है, इज एडेड देन द स्ट्रेंथ ऑफ वनस्पति बिकम्स 20%। देखो यहाँ पे प्योर घी आ गया, कितना आया 80%, और वनस्पति घी कितना आ गया 20%, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में इनिशियल क्वांटिटी दी थी, यहाँ पे क्या दी है, यहाँ पे एडिड क्वांटिटी दी हुई है। देखो अगर मैं बात करूँ इनिशियली वनस्पति घी एंड प्योर घी, वनस्पति घी कितना था 2 था, और प्योर घी कितना था मेरे पास 3 था। अगर फाइनली मैं देखूं मेरे पास क्या बचा कि प्योर घी मेरे पास 4 था और वनस्पति घी 1 था। हमेशा आपने ये चीज चेक करनी है कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है। मैं हमेशा देखो इंफिसिस किस बात पे कर रहा हूं, कांस्टेंट वैल्यू, कि जो वैल्यू मेरी चेंज नहीं हो रही। आपने क्या ऐड किया है, प्योर घी, तो कैन आई से दैट माय वनस्पति घी विल बी कांस्टेंट। देखो वनस्पति घी अगर कांस्टेंट है, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 1, तो इसे 2 बनाओ, 2 से करो मल्टीप्लाई, तो ये कितना रह गया 2:3, और ये कितना हो गया 2:8। इसका मतलब ये वनस्पति घी प्योर घी, ये आ गई फाइनल। इसका मतलब आपने किया क्या, आपने प्योर घी ऐड किया था, प्योर घी पहले यहाँ पे कितना था 3 यूनिट, अब कितना हुआ 8 यूनिट, यानी कितना ऐड हो गया 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स मेरे पास 10 kg मैंने ऐड किया था, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 2 kg, तो ये कितना 3 और 2 5, 5 × 2 कितना हो गया 10 kg। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर। तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, जल्दी से नोट कर लीजिए। 4 क्वेश्चन हमारे बहुत बेहतरीन हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इजी सा है, जल्दी से करेंगे। इन एन एग्जामिनेशन 34% ऑफ स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स एंड 42 फेल्ड इन इंग्लिश। इफ 20% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स इज, अगर फेल वाले टोटल हम निकाल लें उस 100 में से माइनस करते तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, सो आई नो मैथमेटिक्स कितना दिया मेरे को यहाँ पे 34%, एन ऑफ इंग्लिश कितना दिया मुझे 42%, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, ये मेरे पास कॉमन रीजन होगा 20%, ठीक है। देखो अब करें कैसे इसे, एक दो एन ऑफ मैथ, ये कितना दिया मुझे 34%, एन ऑफ इंग्लिश कितना दिया मुझे 42%, और ये क्या होगा एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश। देखो ये अगर 20% है, 34 में से 20 क्या है, ओनली मैथ वाले 14 होंगे फेल, 20 दोनों में, और ये कितना बचा 22%, इनको ऐड कर दो, देखो ये कितना हो गया 42 + 14 = 56, तो 100 में से 56% माइनस किया तो कितना है 44%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, क्लियर। तो दैट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है मार्क्स वाला। इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 35% और 40% रिस्पेक्टिवली। अब बॉयज स्कोर 483 मार्क्स एंड फेल बाय 117 मार्क्स, व्हाट इज द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स, बताइए। कुछ भी पूछ सकते हैं आप इस आज के जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्राई कीजिए फटाफट। देखो इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 35% एंड कितना है 40%, देखो ये 0% है, ये होगा स्टूडेंट हमारे पास 100%, ठीक है। अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ, कितना दिया मुझे 35%, अगर मैं बॉयज की बात करता हूँ कितना दिया मुझे 40%, ठीक है। अब बॉयज स्कोर 483 मार्क्स, एक
लड़के ने 483 यानी 483 मार्क्स ऑब्टेन किए और फेल बाय 117 मार्क्स। इसका मतलब मैं क्या बोलूं कि उसने, अगर किसी बच्चे ने 483 मार्क्स किए, मुझे भी कुछ नहीं पता ये कहाँ होना चाहिए, यहाँ के यहाँ मैंने रैंडमली लगा दिया, तो मैं कहूँगा पासिंग मार्क्स है, कितने मार्क्स कम है उसके, 117। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ पासिंग मार्क्स फॉर बॉयज इज 483 प्लस 117 दैट इज 600 मार्क्स। बस सिंपल इतना से करना था, मुझे पता चल गया पासिंग मार्क्स फॉर बॉयज कितने हैं 600। तो मैं क्या कह सकता हूँ 40% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 600, सो 1% ऑफ टोटल मार्क्स कितना 15 आ गया। क्लियर? तो मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है, अगर 100% की वैल्यू निकालनी है, टोटल निकालने हैं, तो ये निकाल लो कितना आ गया, तो सॉरी 1500, बट मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 35% की, कि 35 इंटू ऑफ 15 इज द राइट आंसर। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। हाँ जी कितना हो गया, देखो 350 प्लस 175, अब कहोगे सर ये क्या किया है। देखो जी मेरा मल्टीप्लाई करने का तरीका तो यही है कि इसको मैं क्या करूँगा 10 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। सबसे पहले क्या करोगे, 3510 कितना है 350, 350 को आधा कर दो, बिकॉज मल्टीप्लाई पे आधा से करना है, 175, 521, सो 525 ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए, लेट अस मूव डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए चलिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको। द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25% सो दैट अ मैन इज कैन बी एबल टू परचेज 5 kg लेस राइस इन 500 रुपीज, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी। देखो इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले कॉन्सेप्ट समझो इस क्वेश्चन का, क्या है, कहाँ से आया क्वेश्चन, बिकॉज फिर एक्स वाई जेड लगाते फिर हो गए, मुझे वो कतई पसंद नहीं। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है मेरे पास स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है एक्सपेंडिचर। क्या एक्सपेंडिचर मेरा प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है? यस बिल्कुल होता है। एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट का मतलब जितना खर्चा पहले करना है उतना ही खर्चा मुझे आज करना है, कि अगर मैं 100 रुपये खर्च रहूँ तो कल भी 100 रुपये और आज भी 100 रुपये, ठीक है। तो अगर एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो प्राइस इज इक्वल टू 1/Q, और क्या लिख सकते हो, क्यू इज इक्वल टू 1/P। इसको मैं बेसिकली लिखता कैसे हूँ, प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी और क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी या प्राइस, कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे प्राइस कम होता चला जाएगा, ऐसे ही कुछ है। देखो सपोज करो पी इज इक्वल टू 1/Q है, क्यू मेरा 1 था तो पी भी 1 आएगा, क्यू अगर मेरा 2 हुआ प्राइस कितना हुआ 0.5, क्यू मेरा 3 हुआ प्राइस कितना हुआ 0.33। ये कब होगा, जब आपका एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट होगा, कि पहले अगर आप 1 रुपये की चीज़ खरीद रहे थे 1 आ रही थी, अगर वही क्वांटिटी आपको सेम में 2 चाहिए तो ये, कि चीज़ अगर महंगी होगी तो क्वांटिटी कम आएगी, वो यहाँ से पता चलेगा, क्वांटिटी इजिकल 1/P, पी इजिकल 1, क्यू इजिकल 1, पी अगर 2 है तो क्यू कितना हो गया 0.5, कि प्राइस बढ़ा दिया क्वांटिटी आ दी होगी, 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है, कल को पेट्रोल का पेट्रोल उतना ही रखते हो आप, बट प्राइस 2 गुना हो जाता है, तो ये क्वांटिटी होगी आपके पास। क्लियर? तो यहाँ पे क्या दिया, देखो इंक्रीज बाय 25%, अब प्राइस की बात कर रहा है वो, ओरिजिनल ना फाइनल, तो 25% का मतलब मुझे अच्छे से बताया 1/4, यानी जो 4 था वो 5 हो गया, क्वांटिटी उल्टा कर देना, यानी 1/4 रेशियो 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको क्या करना है, 5:4, जब ऐसे हो जो 4:5 है उसको सीधा 5:4 लिख दो, खत्म बात, समझ आ गई बात। अब क्या कह रहा है वो, 5 kg लेस, यहाँ पे कितना कम दिख रहा है, 1 होना कितना चाहिए 5 kg, यानी किससे मल्टीप्लाई, 5 × 5 कितना हो गया 25, 4 × 5 कितना हो गया 20, समझ आ गई बात। तो एक्सपेंडिचर इनिशियल
प्राइस इनिशियल इंटू क्वांटिटी इनिशियल। तो अगर इनिशियल की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर 500 रुपये है मेरे पास, प्राइस इनिशियल निकाला, क्वांटिटी इनिशियल कितनी है 25। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 20, बताओ। ठीक है, विद कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्वेश्चन बताया ताकि जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं उनको कभी भी दिक्कत ना। फाइनल भी आप इसका जो फाइनल प्राइस आएगा ना, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, जो उसका फाइनल प्राइस होगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर। सो ये थे आज के परसेंटेज के पार्ट टू के टॉप 7 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कुछ नया सीखने को मिला होगा अभिमन्यु आयस के साथ, ठीक है, सनी सर के साथ। जुड़े रहिए, लगे रहिए, प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आगे क्या मेरे पास देखते हैं लेक्चर में। नेक्स्ट इज, यस अगेन आई एम टेलिंग यू, टारगेट यूपीएससी सर 2025, एक नया बैच आ रहा है आपके पास, फ्रेश बैच कमिंग सून, बहुत जल्दी ही, जल्दी बहुत जल्दी, मतलब जितना जल्दी इनरोल कर लेंगे फायदे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, खासकर मैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत जोर देने वाला हूँ इस बार। क्लियर, ज़्यादा लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, एप्टीट्यूड भी करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग भी, और 1% भी नहीं छोड़ेंगे, जितना हमारे पास डेटा है सब अवेलेबल होगा, आपको कुछ भी बाहर से नहीं खरीदना, एडवांस मोटिवेटेड मेथड के साथ करेंगे। कोई डाउट हो तो नंबर इज 9517777, और प्लीज़ 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 व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहीं पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन आएगी बैच से रिलेटेड, कोई छोटी सी चेंज आता है कुछ भी आता है तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहीं आएगी। अगर आप चंडीगढ़ विजिट करना चाहते हैं, हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 7 ग्राउंड फ्लोर पंजाब केसरी बिल्डिंग सेक्टर 25 चंडीगढ़। अगर आप मोहाली सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो एड्रेस इज प्लॉट नंबर C126 बिल्डिंग नंबर 2 4th फ्लोर फेस 8 इंडस्ट्रियल एरिया। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ ज्वाइन नाउ। थैंक यू।